देखिए कक्षा 10 का 4.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा एक क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन बताते हैं आपको। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो देखिए पहले जो क्वेश्चन है, के एक्स कोष्ठक में एक्स माइनस टू कोष्ठक 1 + 6 = 0। पहले हमें इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलना पड़ेगा, तो इसको हल करेंगे। हल किया, पहले हमने के एक्स का गुणा किस में किया, एक्स में। तो क्या के एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक्स का एक्स 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 गुणा में इसकी घातें जुड़ती हैं। तो एक्स की घात एक और एक्स की घात एक कितना होगा, एक्स की घात दो, के एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस का निशान लगा लेंगे, के एक्स का दो में करेंगे तो 2 के एक्स आ जाएगा + 6 = 0। देखिए अब जो क्या बन गया, द्विघात समीकरण के रूप में बन गया, तो इसकी तुलना द्विघात समीकरण रूप से करेंगे। तो क्या है बोलिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो ए का मान क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए का मान क्या आ जाएगा कॉमा बी का मान क्या आ जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो उस चिन्ह सही आता है, तो माइनस के 2 के। ठीक है, कॉमा सी का मान क्या आ जाएगा, 6 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। 4ac इसका मतलब ऐसे लिखे, इसका मतलब एक गुणा में लिखे होते हैं। ठीक है, अब डी बराबर बी का मान क्या है, माइनस के 2 के का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान क्या दिया हुआ है, के, तो यहाँ पे के लिख देंगे, गुणित। सी का मान क्या दिया है, 6। ठीक है, लिख दिया। अब डी बराबर अब माइनस का माइनस 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 दो बार गुणा होगा तो किसका आ जाएगा निशान, प्लस का, क्योंकि इसका वर्ग 2 है, इसको दो बार लिखना पड़ेगा, तो निशान किसका आएगा, प्लस का। वो कैसे, जब माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है, प्लस। ठीक है, अब के का स्क्वायर, ठीक, माइनस 4 का के में करेंगे तो क्या आएगा, 4 के गुणित 6। ठीक है, अब डी बराबर 4 के को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 के गुणित k माइनस 4 के गुणित 6। ठीक है, देखिए प्लस के 4 के और ये माइनस के 4 के घट जाएंगे या कट जाएंगे, कुछ ही मान लो, तो क्या बचेगा, डी बराबर के माइनस के 6। अब इसके मूल बराबर के लिए हमें ज्ञात करना है, जिसके के ऐसा मान ज्ञात करना है उसके दो बराबर मूल हो। तो जब यदि डी बराबर क्या होता है, 0, तो मूलों का अस्तित्व कहता कैसा होता है, वास्तविक, वास्तविक और समान, और समान। तो इसी शर्त को ध्यान में रखते हुए हम डी बराबर क्या मान लेंगे, 0, तो डी के स्थान पर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यदि यहाँ पे यदि डी बराबर 0, तो मूलों का अस्तित्व कैसा होता है, वास्तविक और समान। इसी शर्त को ध्यान में रखते हुए डी के स्थान पर 0 रख लेंगे तो के माइनस 6, तो के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको सीधा कर लेते हैं, के माइनस के 6 = 0। ठीक है, कुछ पलटा तो नहीं, पक्षांतर नहीं किया, इसको इसको इस साइड लिख लिया, इसको इस साइड। अब के बराबर इस 6 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का निशान है तो प्लस का। ठीक है, जब भी पक्षांतर करते हैं तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, मीन्स चिन्ह बदल जाते हैं, तो के बराबर क्या आ गया,
सिक्स। तो यही हमारा के का मान निकल आया, यही आंसर है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए।